दिस इज द ऑप्टिमम बाइट ऑफ शकील भाई पाए वाले। ये देखो यार क्या नस्ली बोटी है। इस तरह के नाश्ते के अंदर भाई हार लिपट जाते हैं। ओ खैर नली ऐसे निकले जैसे शोरबा था अंदर, बहुत आ रहा है। वेरी गुड चाय यार। अगर आप इस चैनल पे पहली बार तो आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आई लव यू, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें। Assalamualaikum, welcome to another superly amazing and delicious video once again। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे स्टेशन का एरिया। मेरे पीछे आपको जो होटल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ये होटल्स हैं एक्चुअली। ये यहाँ पे पहले राडी अड्डा होता था, बस स्टैंड हुआ करता था यहाँ पे, और ये जो है ये एरिया सामने है स्टेशन, रेलवे स्टेशन। इस साइड पे रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे हम आ जाए हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। एक पाए वाला है, शकील पाए वाला उसका नाम है। बहुत ज़्यादा पुराना है या नहीं है ये उनसे जाके पता करते हैं। मैंने उसके बारे में मैंने तकरीबन एक साल पहले से सुन रखा था कि उनके पास नाश्ता बोंग और बीफ पाए लाहौर में बहुत कम मिलते हैं। बीफ पाए उनके पास बहुत कमाल के होते हैं, तो उनसे वो चेक करेंगे। इसका एड्रेस मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो रोड आ रहा है सामने आ रहा है लक्ष्मी चौक वाली साइड से। जब आप आएंगे जी पी ओ के सामने जो रोड है मैक्लोर रोड, सीधा बिल्कुल आएंगे लक्ष्मी चौक का क्रॉस करेंगे तो आगे आके ये जगह मिलेगी आपको, और आपकी लेफ्ट साइड पर आएगी ऑस्ट्रेलिया मस्जिद। ऑस्ट्रेलिया मस्जिद के साथ गली है छोटी सी, और इसके बिल्कुल कॉर्नर पर ये पॉइंट है, ठीक है। यही रोड सीधी आगे चली जाएगी रेलवे स्टेशन की तरफ। तो अभी ये शकील साहब हैं, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आपका नाम है शकील जी? अच्छा शकील भाई, मुझे आपके पास क्या होता है? बोंग पाए बस? सिर्फ बोंग पाए। सिर्फ बोंग पाए, ठीक है। तो कितना पुराना सेटअप चल रहा है आपका? ये 35 साल हो। 35 साल हो गए। अच्छा मैंने सुना था बड़ा रश होता है आपके पास संडे को। अच्छा संडे को हाउसफुल होता है, ठीक है ठीक है। ये नली है, ये जी पाए की बोटी, और बोंग भी है। अच्छा बोंग इधर छोटे छोटे दिल्ली। ओ वाह, ये लाल बोटी, ये खालिस बोंग है। ये मछली की बोटी है? हाँ ये प्योर मछली है। ओए होए होए होए, यहाँ पर बोझ नहीं डालते इसमें, खाली मछलियाँ पकाई हुई हैं। मछली पकाते हैं ताकि बोझ डालने से जैकारे चेंज हो जाता है। हाँ वो लोग ऊपर चम्मच में खड़े खड़े टूट गई यार। ये देखें, ओ यार माशाल्लाह, ये बोंग बहुत आला यार। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी क्योंकि सिर्फ आप मछली रखी हुई है ना आपने, बाकी गोश्त रखने ये गोश्त डालने से ना बोंग पाए का जायका। ये देखो यार, ये देखिए उफ, ये प्योर बोंग है इसका जायका, बहुत आला। इसकी खुशबू से पता लग रहा है वैसे मछली है। सुबह शुरू कितने बजे करते हैं? फजर की नमाज, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, नमाज पढ़ के शुरू कर लेते हैं। सही हो गया। तो अभी ये प्याला जो है ये पाए का प्याला बता रहे हैं, ये कितने का प्याला है? 450। आपका ताल्लुक कहाँ से वैसे? काली मिर्च है या मसाला कोई? मसाला मिक्स है, इसमें काली मिर्चें ज्यादा है। से बोंग की तरी आपने अलग से रखी हुई है? जी नहीं, वो तरी एक ही होती है, रोगन रख लेते हैं। रोगन सा से उसमें फिर वो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, ठीक है। अश्किल भाई कितना पकाते हैं खाना दिन में आप? ये कितने पाए बनाते हैं? संडे को मेरे पास 80 पाए होते हैं। संडे को 80 पाए बड़े, और 90 किलो बोंग, 80 दो मन बोंग, 90 किलो बोंग माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह। आम दिनों में कितना बनाते हैं? आम दिन में 32 पाए होते हैं। 32 पाए, 8 जोड़ी। ओ खैर, ओए होए होए होए, असल जादू ना इधर भी हो रहा है। ये देखो ये कोयलों में पक रहा है, कोयलों पे ही गर्म रहता है। जैसे ही कोयले का धुआं उठ रहा है ना यहाँ से, ये धुआं उठ उठ के साथ साथ सालन में भी इसका टेस्ट जाता है, और कोयले की वजह से टेस्ट जो है ना वो ऑलरेडी चेंज हो जाता है। गैस पे वो टेस्ट नहीं आता जो कोयले पे आता है, ये जन्म बाद है। अच्छा शकील भाई एक बात बताएं मुझे जी, जी। ऐसे आपके तजर्बे से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, पाए के अंदर सबसे अच्छी और मज़ेदार बोटी कौन सी होती है? नस की बोटी होती है। कुछ लोग नाड़ की बोटी, नाड़ की बोटी वो सबसे मज़े की होती है। कुछ लोग कहते हैं बम्बी की बोटी बड़ी मज़े की होती है, बम्बी वो जो जो खुर होता है, पप्पी कहते हैं। ये जो खुर है इसे क्या बोलते हैं? ये सेटअप है, और इसके बिल्कुल सामने ये दो टेबल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं। और इसके पीछे जगह है, बिल्कुल पीछे छोटी सी दुकान है, छोटी सी दुकान कॉर्नर है, उस कॉर्नर के अंदर भी जो है वहाँ पे भी बैठने की जगह, वहाँ पे भी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, साइड पे बैठ के भी खा रहे हैं। तो ये सारा सेटअप है इनका, इसको ट्राई कर लेते हैं। नान खोल के शोरबा भरते हैं ना जब आप, तो शोरबा अच्छी तरह जज़ब हो जाता है।
ऐसे पूरी ये ना ये पूरी डोई बना के। ओह कमाल यार, सिंपल ना पहले शोरबे का ट्राई करता हूँ, उसकी नली के साथ डाल के। ये जी इसको ट्राई कर लेते हैं, इसमें लाही हुआ आला वाला कैसे ला। यार बहुत ये बिल्कुल वो फ्लेवर है ये सब घर में बनाते हैं, कोई ज़्यादा तेज मिर्च मसाला नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा फ्लेवर रोगन का है। ये देखो यार क्या नस्ली बूटी है, उफ उफ। इस तरह के नाश्ते के अंदर ना भाई हार लिपट जाते हैं, लेकिन आप उसका कुछ कर भी नहीं सकते। दिस इज़ द ऑप्टिमम बाइट ऑफ शकील भाई पाए वाले। रेशे वाली बोटी है और इसके रेशे में सब जूसेस निकल रहे हैं बोंग के अंदर। मेरे हिसाब से जो है ना इनकी बोंग अलग खाने वाली है, पाया अलग खाने वाला, क्योंकि पाए का जो शोरबा है ना इस टाइम सारा रोगन पाए का इसके अंदर शोरबे के अंदर है, और जो बोंग होगी ना बोंग के अंदर अलग बोंग का फ्लेवर आएगा। यार इनसे हमने नाश्ता कर लिया, बहुत कमाल के पाए थे, इंडीड वेरी गुड पाए, कमाल के बहुत आला। सबसे मज़ेदार बात, पूरा पाए का रोगन निकल के शोरबे में गया हुआ था। बोंग अलग खाने वाली है, पाया अलग खाने वाला है, मिक आप दोनों के साथ डलवा सकते हैं, ये मेरी सजेशन है, आगे तुहाड़ी अपनी मर्ज़ी। अभी जो है पीछे पूरी गली नज़र आ रही है मुझे इस गली के अंदर, और जो है वो पराठे वाला भी सटा तक लगा हुआ है, होटल भी है साथ में, और उसके बिल्कुल सामने चाय वाला भी है। थोड़ा वहाँ के भी सीन चेक कर लेते हैं, अभी वहाँ से चाय भी ट्राई कर लेते हैं। ये इनका सेटअप और ये अंदर पूरी गली जा रही है, ये ऑस्ट्रेलिया मस्जिद, ऑस्ट्रेलिया मस्जिद और शकील भाई के दरमियान में ये गली अंदर जा रही है। ये भी एक होटल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भजन, ठीक ठाक है? सीन इधर भी पूरे चल रहे हैं भाई। और ये चने हैं, ठीक हो गया। अच्छा इसका जगह का नाम क्या होटल का? नासिर होटल कहते हैं इसको। ये कितना पुराना है? पुराना 30 साल पुराना है। 30 साल पुराना है, सही हो गया माशाल्लाह। ओके चाहिए, चने की कितने की प्लेट है? 70 रुपये। और ये पाए 50 रुपये का पाया, 250। हाँ वही मैं हैरान हो गया, 250 का। अच्छा आपने साथ दही क्यों रखा हुआ है? लस्सी बना के देते हैं यहीं पे। वाह, मतलब आप जो बंदा यहाँ पे आ गया उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चाय भी मिल जाएगी, पराठे भी मिल जाएंगे, अंडा पराठा भी, और ये पाए भी मिल जाएंगे, चने भी मिल जाएंगे, दही भी मिल जाएगा, लस्सी भी मिल जाएगी, माशाल्लाह। मुझे ये सारा सेटअप है इनके पास, ये है, ये इनके पास जो है ना भाई पराठे भी लग रहे हैं। ये कौन सा पराठा है भैया? मैदे वाला सादा पराठा है, सादा। कितने का है ये? 35 का। और कौन सा, आलू वाला होता है? सिर्फ सादे पराठे होते हैं आपके पास, ठीक है जी। ये है जी नासिर होटल, ये आगे चाय वाला भी है, सीन इधर भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? ये लोग पनीर पत्ती बेच रहे हैं, मैं दूध पत्ती बेच रहा है। हां मजाक नहीं है। आप कराची के हैं? बांग्लादेश के। बांग्लादेश के हैं जी, वर्ल्ड नंबर बांग्लादेश। यार ये चाय बन रही है साहब, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, हम घर में गिलास में डालते शीशे वाले में वो टूट जाता है। ये प्लास्टिक है, लेकिन ये जो होटल में चाय मिलती है वो टूटता नहीं है, वो गिलास पूरा वो होता है। अच्छा एकदम चाय डालो तो टूट जाता है, सही है। क्या नाम है आपका? आरिफ भाई। आरिफ भाई ये चाय कब से लगा रहे हैं यहाँ पे आप? 24 साल हो गए। 24 साल आप ही लगा रहे हैं शुरू से? आप किस इलाके से हैं? बाजोड़ एजेंसी से। आप भी बजोड़ से? मैं मुमंद एजेंसी। आप मुमंद एजेंसी से? वो बजोड़ से हैं, मैं लाहौर से हूँ, सब मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, वो हम दिखा रहे हैं बस। कितने का कप है? 30 रुपये का। दूध पत्ती है चाय? चाय है, दूध पत्ती नहीं है। चाय पीते हो? चाय पीते हो? आपने चाय पी ली है? मैं पिलाऊँगा आपको एक, मैं पिलाऊँगा एक कप। नहीं मैं पिलाता हूँ आपको। ये टी स्टॉल है, ये सामने लोग बैठ के चाय पी रहे हैं यहाँ पे। यहाँ आके अंदाज़ा होता है कि लाहौर के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, यहाँ पे पठान भी रह रहे हैं और बंगाली भी रह रहे हैं, मुहाजिर भी रह रहे हैं। शकील भाई जिनसे पाए खा के हैं वो मुहाजिर है, और जो ये भी हमें मिले हैं ये बंगाली हैं, बांग्लादेश के हैं, रहते पाकिस्तान में हैं, जिनके पास हम चाय पी रहे हैं पीछे बैठे हुए। ये भाई जान ये बाजोड़ एजेंसी से हैं, और जो यहाँ पर कुछ कस्टमर्स है वो मोहम्मद एजेंसी से हैं, मैं लाहौर से हूँ। लाहौर इज़ अ नेम ऑफ डाइवर्स कल्चर, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर। लो जी ये चाय हमारे पास है, इनकी चाय ट्राई कर लेते हैं, बगैर चाय का नाश्ता कम्प्लीट नहीं होता मेरा। वो ये वेरी गुड चाय यार,
अच्छी चाय है। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कंपैरेटिवली देखा है तीन होटल, तीन जगह पे चाय बन रही है, एक वो सामने, एक मेरे पीछे और एक ये, तीन जगह पे चाय और रश ज़्यादा इनके पास है, और चाय वाकई मज़े की है। स्टेशन पे अक्सर लोगों को आना जाना होता है, मैं आपको जगह इसलिए भी दिखा रहा हूँ, स्टेशन पे अक्सर लोगों को लाहौर स्टेशन में आते हैं और आगे पूछते हैं कि लाहौर पे आगे हमें नाश्ता कहाँ करना है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा शकील के पास आएँ, शकील से आगे बॉन्ग पर ट्राई करें, चाय के शौकीन यहाँ से चाय भी पी सकते हैं आप। बढ़िया ओके जी, वीडियो छोटी मुख्तसर रख रहे हैं, वीडियो को इंशाल्लाह यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। इफ़ यू आर मिसिंग बिलाल, आई एम मिसिंग बिलाल टू, बिलाल को मैं भी मिस कर रहा हूँ, तो आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम फॉलो करना मुझे नहीं भूलना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे नहीं मिलती है इंस्टाग्राम पे मिल जाती है, मैं लाइव जाता हूँ, मैं किसी शहर में विजिट करना होता है मैं वो इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, एंड आई एम कमिंग टू कराची इंशाल्लाह, कराची में रहेंगे कुछ दिन, वहाँ पर रमज़ान भी गुजारेंगे, फिर आपको पूरे पाकिस्तान का रमज़ान इंशाल्लाह दिखाएंगे, लाहौर कराची इस्लामाबाद और गुजरांवाला, पूरे पाकिस्तान में रमज़ान किस तरह से गुजारा जाता है, रमज़ान में क्या माहौल होता है, सहरी में, अफ्तार में, मसाजिद में, तरावी में, ये सारा आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।